न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। पेंट से पहले लगाइए घरोंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घरोंदा बॉल पुट्टी। जनपद जालौन के जिला मुख्यालय पर सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत गंभीर है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और प्रदेश की भाजपा सरकार इन पर नियंत्रण पाने में पूर्णतः विफल है। प्रदेश में बेलगाम अपराध और बेखौफ अपराधी सत्ता संरक्षण में पल रहे हैं। जनता अपने को असुरक्षित मान रही है। चारों तरफ भय आतंक का माहौल है। वही कानून व्यवस्था का आलम तो यह है कि बलिया में 15 अक्टूबर को दिन दहाड़े राशन की दुकान के आवंटन में हुए विवाद में भाजपा नेता ने एक युवक को गोली मार दी। उस समय एसडीएम और सीओ भी मौजूद थे। पुलिस की पकड़ में आने के बाद भी आरोपी को भाग जाने दिया। बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं से सभी लोग विचलित हैं। प्रदेश में किसी भी अपराधी को अपराध करने में जरा भी संकोच या शर्म नहीं आती है, क्योंकि उसे सत्ता का संरक्षण का भरोसा होता है कि भाजपा सरकार दलित और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी कर रहा है। हाथरस में दलित बेटी के साथ दुष्कर्म और उसकी नरिशंस हत्या के बाद आधी रात को पुलिस ने उसका शव जला दिया। पुलिस प्रशासन का यह रवैया भी अत्यंत शर्मनाक रहा है। रेप की घटनाओं के बाद गलानी में आत्महत्या कर जान दे दी। न केवल हाथरस अपितु बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, भदोही, लखनऊ, बाराबंकी, बागपत, मेरठ, फतेहपुर, अलीगढ़, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, मथुरा, महाराजगंज, प्रयागराज और पीलीभीत में भी हैवानियत की घटनाओं से प्रदेश की बदनामी हुई है। पुलिस की लीपापोती और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण से कानून मानने वाले नागरिक विचलित है। प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। निश्चित रूप से प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है। सत्तारूढ़ सरकार ध्वस्त, कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल। प्रदेश में विकास अवरुद्ध है। जनता त्राही त्राही कर रही है। इन स्थितियों में गंभीर प्रश्न है कि जनधन की सुविधा मिलेगी या नहीं, जनता की सुरक्षा का क्या होगा, प्रदेश में संवैधानिक मर्यादा का पालन होगा या नहीं। हमें आशा है कि आप अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। वही जनपद की समस्या है। जिले में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाया जाए, नहर का पानी टेल तक पहुंचाया जाए तथा टेल पर सिंचाई कराई जाए, सरकारी नलकूप चालू कराए जाए तथा खराब नलकूप ठीक कराए जाए, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली दी जाए, बिजली चोरी के नाम पर जनता का शोषण रोका जाए, अन्ना जानवरों को व्यवस्थित किया जाए, पालघाट के यमुना पुल पर चल रहे कार्य की गतिशीलता बढ़ाई जाए, निर्माण कार्य लगभग 11 वर्ष से चल रहा है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, किसानों को खाद बीज समय से उपलब्ध कराए जाए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए जी, हमारी बहन बेटियों के साथ जो निकम्मी सरकार के लोग बलात्कार कर रहे हैं उसका हम लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं सुधरेगी तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और समाजवादी पार्टी खुल के उन लोगों के साथ मदद करेगी और सड़कों पर उतरेगी और उनका पूरा सपोर्ट करेगी। ये जुल्मी की सरकार, हमारी समाजवादी पार्टी उन निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। भाजपा सरकार हमारे आज हमारे हिंदुस्तान में दलित बेटियों के साथ निकम्मी सरकार, ये जो अत्याचार, बलात्कार, ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं किसानों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों को हड़प के सरकार उनको ही अपनी ज़मीन पर नौकर बनाना चाहती है, इसके विरोध में हम लोग सरकार के ज्ञापन देने आए हैं। और अगर सरकार ने अपनी रवैयों को सुधारा नहीं तो हम क्रांतिकारी कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, वो विधानसभा को भी घेरेंगे। हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं उनको अगर नहीं रोका गया। पेंट से पहले लगाइए घरोंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घरोंदा बॉल पुट्टी।